नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। थाना गोविंद नगर के अंतर्गत अमेजॉन कंपनी से 3 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले 5 साथी ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार हुए साथी ठगों ने पुलिस पूछताछ में अपना जुर्म भी कबूलते हुए पुलिस को बताया कि अमेजॉन कंपनी के ऑनलाइन मंगाए जाने वाले सामान को बदलकर नकली सामान जैसे मोबाइल की जगह साबुन की बट्टी, पंखा की जगह पुराना पंखा डिलीवर कर नकली सामान को अमेजॉन कंपनी को वापस कराकर खाते में रुपया रिफंड करा लेते थे तथा जो असली सामान कंपनी बेचती थी उसे भी बाजार में बेच लेते थे। पुलिस ने बताते कि साथी ठगों के इस गैंग में 3 डिलीवरी बॉय, 1 अमेजॉन कंपनी का स्टेशन सपोर्ट एसोसिएट तथा 1 सुपरवाइजर जो कंपनी से आए हुए माल को डिलीवर करने के लिए अपने शातिर गैंग के ही डिलीवरी बॉय को देकर फर्जी नाम पते पर डिलीवर कराता था, जो कि इनके जान पहचान वाले होते थे तथा ये फर्जी नाम पते वाले लोग 1-2 दिन बाद माल वापस करने की कंप्लेन कंपनी में कर देते थे तथा कंपनी नियम अनुसार शिकायत पर तत्काल ही पैसे रिफंड कर देती थी, जबकि पिकअप वाले ही जिम्मेदार हैं कि सामान वापसी के समय सामान की जांच कर वापस लेगा कि यह वही सामान है जो डिलीवर किया गया था। लेकिन इन डिलीवरी बॉय के द्वारा ऐसा नहीं किया जाता था और इन लोगों द्वारा कंपनी के ही कुछ अन्य वरिष्ठ कर्मियों से सांठ गांठ कर खराब माल को ही लेकर कंपनी में वापस कर देते थे और फिर सही सामान को बाजार में बेच देते थे। ऐसा करने पर सभी के हिस्से में बिके हुए माल के रुपये को बराबर बराबर हिस्से में बांट लेते थे। वही पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए साथी ठगों के अन्य साथियों की तलाश में जुट गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार लगातार ठगी का शिकार हो रहे लोगों के द्वारा गोविंद नगर पुलिस को मिल रही सूचना को देकर गोविंद नगर पुलिस व स्वाट टीम ने शातिर गिरोह को भंडाफोड़ करने के लिए टीम गठित कर ली थी। शातिर गिरोह की तलाश में लगी पुलिस ने रविवार को 5 लोगों को पहले ही जेल भेज चुकी थी। वहीं आज जिले जालौन से 5 और आरोपी गिरफ्तार हुए, जो कि सभी कालपी जिले जालौन के हैं। ये इसमें जो अमेजोन कंपनी है जो ऑनलाइन डिलीवरी डिफरेंट प्रोडक्ट्स की करती है, उससे उसमें एक फ्रॉड हुआ है जिसमें कंपनी के द्वारा एक FIR दर्ज करवाई गई थी गोविंद नगर थाने पे। इसमें कंपनी वालों ने ये बताया कि उन्हें 3 से 4 करोड़ रुपए के जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक इनका स्पेशल मॉडस ऑपरेंडी था, उसके थ्रू इस कंपनी को नुकसान पहुंचाया। इसमें FIR दर्ज करके हमने 5 अभियुक्तों को पहले जेल भेजा था और जो 5 अभियुक्त हैं वो अभी गिरफ्तार किए गए हैं और इनके पास से लगभग 7 लाख रुपए का सामान भी बरामद किया है जो अमेजोन कंपनी से डिलीवरी करके मंगवाते थे, जिसमें पंखे हैं, स्पीकर है, RO है और गीजर हैं, ब्लोवर्स हैं, डिफरेंट ये आइटम्स हैं। इनका जो मेन मॉडस ऑपरेंडी था वो ये था कि यहाँ पे क्योंकि ये अमेजोन जो है वो थर्ड पार्टीज़ को डिलीवरी और पिकअप के लिए हायर करते हैं, तो जो डिलीवरी एसोसिएट्स होते थे वो और इनके जो स्टेशन हेड होते थे उनकी मिली भगत से ये सारा काम करते थे, फ्रॉड करते थे। इसमें इन्होंने फेक अमेजोन की IDs बना रखी थी, उनसे ये ऑर्डर करते थे अमेजोन के डिफरेंट प्रोडक्ट्स। जब वो ऑर्डर कर देते थे उसके बाद ये पिकअप डालते थे उसका रिटर्न का, तो जो डिलीवरी बॉय उसको लेने जाता था उसमें जो ओरिजिनल प्रोडक्ट ना दे के ये उसमें या तो डिफरेंट कोई पुराना आइटम डाल देते थे या जो खाली डब्बा होता था वो वापस कर देते थे। चूँकि इसमें जो डिलीवरी एसोसिएट और इनके स्टेशन हेड की मिली भगत होती थी तो वो उस प्रोडक्ट पे कोई भी ऑब्जेक्शन ना लगा के उसको क्लियर कर देते थे, इससे उस प्रोडक्ट का पैसा भी इनको अपने अकाउंट में मिल जाता था और प्रोडक्ट भी मिल जाता था, जिसके बाद ये जितने भी प्रोडक्ट होते थे उनको जालौन डिस्ट्रिक्ट या आसपास के अन्य जनपद हैं उनमें जो डिफरेंट सेलर्स हैं उनको बेच देते थे। अभी हमने जो अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं इसमें मेन जो इनका जो हेड है वो मनजीत नाम का व्यक्ति है जो जालौन का रहने वाला है और उसके पास से और एक बिश्नोई नाम का व्यक्ति है उनके पास से ही ये सामान बरामद हुआ है। इसमें एक व्यक्ति जो था उसका मेन रोल था सिम सप्लाई करने का, जियो की सिम जो है वो पहले से ही फर्जी सिम एक्टिवेट करके रखता था और वो इनको जो ये मनजीत हैं और इनके गैंग वाले हैं उनको देता था वो सिम, उसके बेसिस पे वो अपने फेक ID भी क्रिएट करते थे और उन्हीं से वो ऑर्डर करते थे। लगभग ये कितने दिनों से काम चला था और इसमें कितने लोग की गिरफ्तारी हुई है? इसमें जो ये कंपनी के द्वारा बताया गया है ट्रेस इन्होंने अभी किया है, ये बता रहे हैं कि पिछले साल से जनवरी से ये चीज़ें चल रही हैं। उन्होंने ऑनलाइन जो अकाउंट्स देखे हैं जिनमें बार बार पैसे रिफंड हो रहे थे उन अकाउंट्स को इन्होंने ब्लॉक भी करवाया था,
और इसमें जो टोटल अभियुक्त जो अभी तक गिरफ्तार हुए हैं वो 10 अभियुक्त हमने गिरफ्तार किए हैं। जो इसमें जियो की सिम ले रहा था, क्या जो जियो की सिम दे रहा था उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई की गई? बिल्कुल, उसको भी हमने अरेस्ट किया है और उसके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे। कितने का माल आज बरामद किया गया? ये जो माल बरामद हुआ है लगभग 7 लाख रुपये के आसपास का है। बाकी भी हम पता कर रहे हैं कि इन्होंने और कहाँ पे वेयर हाउस बना रखे थे, और कुछ लोग जो हैं वो 3-4 लोग इसमें और हैं जिनकी संलिप्तता इसमें थी, उनसे भी ये पॉसिबिलिटी है कि उनसे भी ये माल बरामद हो सकता है। कांटी के अलावा क्या और भी किसी जिलों में भेजते थे ये लोग? अभी जो हमने अरेस्ट किए हैं वो ये जालौन डिस्ट्रिक्ट के कालपी के रहने वाले हैं, उन्हीं को किया है। बाकी हम डिटेल्ड जो इन्वेस्टिगेशन में और फैक्ट्स अगर सामने आए डिफरेंट जनपद में, अलग अलग जनपदों में भी अगर ये कर रहे होंगे तो उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। एक FIR 2019 में लखनऊ में हुई थी जिसमें सिमिलर तरह का फ्रॉड जो था वो पकड़ा गया था। मेन मुख्य आरोपी कौन है जो पूरे खेल को खेलता था? देखिए, इसमें अब एक तो जो जितेंद्र था वो, क्योंकि SSA था यहाँ का स्टेशन एसोसिएट, वो डिफरेंट जो डिलीवरी बॉय थे उनके साथ मिलके ये काम करता था वो, और जो दूसरा मंजीत है वो इनके प्रोडक्ट जो ये थे, एक तो ID फेक बनाता था वो, और जितने भी ये आइटम्स खरीदते थे उन सबको वो खरीद के फिर जालौन में बेचता था। लगभग ये क्या करते थे कि 1 लाख का सामान है उसको 60,000 रुपये में मंजीत खरीदता था और फिर उसको जो लोकल मार्केट जो जालौन की थी उसमें ये बेचते थे। और ये जो मंजीत है इसने अपने आप को अमेजोन का लोकल सप्लायर भी ऑनलाइन रजिस्टर कर रखा है। क्या अमेजोन की तरफ से कोई FIR दर्ज करवाई गई है? ये जो FIR हुई है ये अमेजोन के ही एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने ही ये FIR दर्ज करवाई थी थाना गोविंद नगर। इंडियन प्राइम न्यूज से संवाददाता अमित ठाकुर की खास रिपोर्ट।